सत श्री अकाल जी, सारिआं नूं स्वागत करदी हां। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज की इस वीडियो दे विच असीं करांगे साइंस दे नाल रिलेटिड एक इंपॉर्टेंट मॉक टैसट। हाँ जी, इस वीडियो दे विच जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो साइंस अते इनवायरमेंट दे नाल रिलेटिड एक मॉक टैसट तैयार किया गया है। जिवें कि तुहानूं पता है, जिहड़े भी स्टूडेंट फॉरैसट गार्ड वीडियो PSSB क्लर्क एक्साइज अते टैक्स इंस्पैक्टर जां फिर सर्वेयर दे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि साडे ऑलमोस्ट ये टॉपिक दोनों ही इनवायरमेंट एंड साइंस के जो टॉपिक असी सीरीज स्टार्ट की सी वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो उस दे नाल रिलेटिड मैं मॉक टेस्ट भी तैयार कर दिते ने। तो अज साडा पहला मॉक टेस्ट है जो कि बेसिक जा तैयार किया गया वा। तो जिहड़े भी स्टूडेंट FCI का एग्जाम देने वाले ने, यह वीडियो उन्होंने लिए भी हैल्पफुल होने वाली है क्योंकि बेसिक तुहाडे लिए सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। तो बेसिक दे विचों ही ये वीडियो तैयार की गई है साइंस दे नाल रिलेटिड। ठीक है जी। हाँ जी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असं अज का ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हरेक क्वेश्चन अटैम्प्ट करन दे लई तुहानू 3 सैकेंड दिते जाणगे। 3 सैकेंड दे विच तुसीं अपना आंसर मेरे नाल मैच करके नोट करते जाना। उस तो बाद लास्ट के कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना कि तुहाडे किन्ने क्वेश्चन सही गए। ठीक है जी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो रिक्वेस्ट, वीडियो नूं पूरे एंड तक जरूर देखियो, एक भी क्वेश्चन मिस ना करियो क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। इस वीडियो नूं शुरू करन तो पहला जिहड़े विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करती हाँ कि प्लीज़ मेरे चैनल नूं हुणे सबसक्राइब करके बैल आइकन ते प्रेस कर लवो तां जो मेरी अगे आने वाली हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तुहानूं मिलती रहे। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लए गए ने, एक भी क्वेश्चन मिस ना करियो। जिहड़े क्वेश्चन 2021 के पेपर के आए हुए हैं वो भी असी ऐड किए, तो वीडियो के 2 पार्ट बना दते आ। पार्ट 1 के असी पौद्या बारे ज कुछ गैसा के बारे जानकारी लवेंगे, तो पार्ट 2 के असी मनुखी शरीर के नाल रिलेटिड जानकारी लवेंगे। जिमें कि तुहानू पता है कि हरेक पेपर के इस क्वेश्चन आ जिहड़े पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जी मेरे को, किहड़े पेड़ का इस्तेमाल मसाले बनाने लई कीता जांदा है? राइट आंसर आ जी मेरे को, उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर तुहानू पता होगा। हरेक क्वेश्चन का आंसर सब तो पहला अपने माइंड के सोचना होगा। राइट आंसर आ जी मेरे को दालचीनी। दालचीनी का इस्तेमाल आ जिहड़ा वो मसाले बनाने के लिए किया जाता वा। ठीक है, जेकर असी निम की गल करिए याद रखना इसके पत्तियां का यूज़ दवाई बनाने लई किया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन, अफीम के किहड़े भाग तो मारफीन नूं प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर D, फल। हाँ जी, फीम के जोड़ा पौधा वा उन्हों बूटे जो फल लगता वा तो उस फल तो असी मारफीन नूं प्राप्त करते हैं। मारफीन ड्रग के रूप में वरती जाती है। नैक्सट क्वेश्चन, सब तो छोटे फुल वाले पौधे का नाम की है? राइट आंसर है जी मेरे को वॉल्फिया। वॉल्फिया सब तो छोटे फुल वाला पौधा है। ठीक है, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, अयोन परत वायुमंडल की केड़ी परत दे विच पाई जाती है? अयोन परत वायुमंडल की केड़ी परत विच पाई जाती है? राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर C, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर परत दे विच अयोन परत पाई जाती है। नैक्सट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस का केड़ा घटक है? राइट आंसर है जी मेरे को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इनू। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड है जी, ये ग्रीन हाउस गैस का मुख घटक आ। ठीक है, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, रात को दरख्त के हेठा नींद लेना सही नहीं है क्योंकि दरख्त छड्डदे हन? उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर तुहानू सारयां नू पता होगा। राइट आंसर है जी मेरे को ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड के हैं इसलिए रात को दरख्तों के हेठा सानू सौना नहीं चाहिए। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, इस गल एक गल का ध्यान रखियो कि दरख्त रात को कार्बन डाइऑक्साइड दे आ, दिन विच नहीं, दिन विच वो ऑक्सीजन छड्ड दे आ। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी मेरे को, गुब्बारियां दे विच केड़ी गैस भरी जाती है? राइट आंसर है जी हीलियम। हीलियम गैस आ जिहड़ी ये गुब्बारियां दे विच भरी जाती है। हाँ जी, तुहानूं पता है कि जिहड़ी गैस हौली हुंदी आ उही भरी जाएगी, तो हौली गैस केड़ी हुंदी आ? हीलियम। हीलियम गैस गुब्बारियां दे विच भरी जाती है। तो गोताखोर आ जिहड़ी वो केड़ी गैस का यूज़ करते हैं?
हीलियम प्लस ऑक्सीजन, हीलियम कादे लई यूज करदे आ, तैरन दे लई ते ऑक्सीजन साह लैण दे लई, ठीक है, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, ब्रह्मांड विच सब तो ज़्यादा मात्रा विच पाया जाण वाला तत् केड़ा है? राइट आंसर है जी मेरे कोले ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आ जिहड़ा ब्रह्मांड विच सब तो ज़्यादा मात्रा दे विच पाया जाता है, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, अवर्त सारणी दा सब तो हल्का तत् केड़ा हुंदा है? राइट आंसर है जी मेरे कोले ऑप्शन नंबर बी लीथियम। अवर्त सारणी दे विच सब तो हल्का तत् केड़ा हुंदा? लीथियम हुंदा वा, ते सब तो भारा केड़ा हुंदा वा? डायमंड, जिन्हों असी हीरा कह दिंदे आ, ठीक है जी। डायमंड तत् आ जिहड़ा, ये सब तो भारा हुंदा वा अवर्त सारणी दे विच, ते सब तो हल्का तत् केड़ा वा? लीथियम हुंदा वा। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल वा तुसी देखिया ही होना, आई थिंक उस दे विच 126 एलीमेंट हुंदे आ, तुसी याद रखना, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, अवर्त सारणी विच कुल किन्नियां तातां हन? राइट आंसर है जी मेरे कोले ऑप्शन नंबर सी, अवर्त सारणी दे विच कुल 92 तातां हन, ठीक है, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, साबण दे अंदर केड़ा खार पाया जांदा है? साबण दे अंदर केड़ा खार पाया जांदा, उम्मीद करदी हां कि इसका आंसर तुहानू सारयां नू पता होवेगा। राइट आंसर है जी मेरे कोले सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, साबण दे अंदर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जांदा वा, ठीक है, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन है जी मेरे कोले, केड़े कपड़े दे विच जल्दी नाल वट नहीं पैंदे? राइट आंसर है जी मेरे कोले पॉलीस्टार, पॉलीस्टार दे विच जल्दी नाल वट नहीं पैंदे, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन है जी मेरे कोले, थर्म किस दी इकाई है? राइट आंसर है जी हीट, थर्म हीट दी इकाई है। नैक्सट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण दी इकाई केड़ी है? राइट आंसर है जी डेसीमल, डेसीमल ध्वनि प्रदूषण दी इकाई है। नैक्सट क्वेश्चन, सॉरी मैनू लगता मैं डेसीमल बोलता, इतने डेसीबल आ, डेसीबल ध्वनि प्रदूषण की इकाई है, याद रखना। हाँ जी, इकाइयां जिहड़ियां इंपोर्टेंट है तुसी सारियां ही याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन है जी मेरे कोले, क्यूरी किसकी इकाई हुंदी है? उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर तुहानू सारयां नू पता होगा। राइट आंसर है जी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की इकाई केड़ी हुंदी आ? क्यूरी, ठीक है, ये तुसी याद रखना। तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई केड़ी है? डेसीबल। थर्म किस दी इकाई है? हीट दी इकाई है, ये भी तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, हीटर दी तार किस दी बनी हुंदी है? हाँ जी, हीटर दी तार किस दी बनी हुंदी है? नाइक्रोम दी, नाइक्रोम दी बनी हुंदी है हीटर दी तार। इस तो इलावा बालम विच एक छोटा जिहा स्प्रिंग लग्या हुंदा तां वो टंगस्टन दा बनिया हुंदा वा, ये तुसी याद रखना। कहदा बनिया हुंदा? टंगस्टन दा बनिया हुंदा, ते बालम दा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हुंदा वा, इस करके बालम विच टंगस्टन धात आ जिहड़ी वह बरती जाती है। नैक्सट क्वेश्चन, कोई भी वस्तु का ज़्यादा भार कित्थे हुंदा है? राइट आंसर है जी निर्वात, निर्वात विच किसी भी वस्तु का भार आ जिहड़ा वह ज़्यादा हुंदा वा, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों केड़ा हीट का सब तो वधिया चालक है? राइट आंसर है जी मेरे कोले पारा, पारा वा जिहड़ा वह हीट का सब तो वधिया चालक आ। नैक्सट क्वेश्चन, हवा विच धुनी दी गिनती गति किन्नी हुंदी है? हवा विच धुनी दी गति, राइट आंसर है जी मेरे कोले 331 मीटर पर सैकेंड हुंदी है। हवा विच धुनी दी गति 331 मीटर पर सैकेंड हुंदी है, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन है जी मेरे कोले, हेठ लिखियां विच्चों केड़ा रंग सब तो ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करता है? राइट आंसर है जी मेरे कोले ऑप्शन नंबर ए बैंगनी। हाँ जी, इतने मिसटेक होगी, उदे लई माफ़ी मंगदे, इतने बी आनी सी ऑप्शन, ए सी सी अते ए डी सी, ठीक है जी। बैंगनी रंग आ जिहड़ा वह सब तो ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करता वा, ये तुसी याद रखना। हाँ जी, वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट सी, उम्मीद करती हूँ कि तुहानू
इस दे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जेकर किसी नूं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स दे विच तुसी कमेंट करके पूछ सकते हो, सिर्फ स्टडी दे नाल रिलेटेड ही कमेंट करिया करो, ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू जी। जेकर तुसी किसी भी गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अज की यह वीडियो तुहाडे लई बहुत ही हैल्पफुल होगी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने, तो मैं तुहानू ये जरूर कहना चाहवागी कि जेकर टाइम हुंदा तां एक बार नोट्स बनाया करो। जिहड़े नोट्स तुसी अपने हत्थां नाल बना लोगे ना नाल, वो तुहानू कदे भी नहीं भुलणगे, ठीक है जी। थैंक यू।